राशन उपभोक्ताओं ने राशन में कालाबाजारी और अवैध वसूली का आरोप लगाया है। यह घटना है शाहपुर के वार्ड नंबर 6 की, जहां पर राशन उपभोक्ताओं का कहना है कि राशन डीलर के द्वारा अवैध वसूली प्रत्येक उपभोक्ताओं से की जा रही है। प्रत्येक यूनिट पर 2 रुपए से ही ज्यादा रकम वसूली जा रही है, जिसका विरोध उपभोक्ताओं ने किया। राशन के नाम पर अवैध वसूली जोरों पर है, जिसको लेकर उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश देखी जा रही है। शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के उपभोक्ताओं का कहना है कि राशन दुकानदार द्वारा प्रति यूनिट अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी जांच जिला प्रशासन से कराने की मांग उपभोक्ताओं ने की। यहाँ पर राशन ले रहे हैं तो कितना पैसा ले रहे हैं डीलर साहब? 13 रुपए लग रहा है भाई, 15 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? पता? साहब। वार्ड नंबर? 4। ओ भाई, हम तो कल ही खाकू दे रहा हूँ।